हेलो फ्रेंड्स, फूड ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं सोन रोल, जिसके लिए लिया है मैंने 50 ग्राम मैदा, 50 ग्राम बेसन, 100 ग्राम चीनी। अब चीनी का हम सिरप बना लेंगे। अब हम सिरप में पानी डालेंगे, मैदे और बेसन के मिश्रण को पका लेते हैं। इसमें हमने डाला 2 टीस्पून देसी घी। घी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम मैदा और बेसन डाल रहे हैं। इसे लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि इसका कच्चापन ना निकल जाए और ये हल्का ब्राउन ना हो जाए। बेसन और मैदा बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुका है और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। हम इसे 15 मिनट भूने हैं धीमी आँच पे। हम चीनी गलने के बाद इसे डिप करके देखते रहेंगे। अब ये ग्लास में पूरा फैल गया, इसका मतलब ये तैयार नहीं हुआ है सिरप। जब तक हमारी चाशनी तैयार हुई है, हम इस थाली पे घी या फिर बटर पेपर लगा लेंगे। इसमें हम मिलाएंगे 4 से 5 कटोरी इलायची। हम इसमें 4 से 5 लेमन जूस डालेंगे और इसे हम बार बार नहीं चलाना। सोन रोल का सबसे अच्छा पहचान चाशनी का कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाती है और गाढ़ी भी। हम इसे पानी में चेक करेंगे, ये बिल्कुल घिल लेगी। 1 ही सेकेंड में ये बिल्कुल टफ सा हो गया है, चाशनी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसे निकाल लेंगे। इसे जब तक फेटेंगे जब तक ये वाइट ना हो जाए। फेटते फेटते ये वाइट हो चुकी है। अब इसमें बेसन लगा, अब इसे राउंड शेप में बना के इसे जल्दी जल्दी हम ऐसे इसका रोल बनाएंगे और इस पर बेसन चिपका चिपका के इसको ऐसे हल्के हल्के हाथों से लच्छे बनाते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे। ध्यान रहे ये लच्छे टूटे ना। जब तक ये तार बनते रहेंगे तब तक हम इन्हें बनाते रहेंगे।
हल्दीराम सोन पापड़ी तैयार है।